नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जैसा कि आप सभी को पता है, यूजी और पीजी रेगुलर कोर्सेज के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। उस वीडियो को देख करके आप घर पर बैठ के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट को ध्यान से फिल कीजिएगा क्योंकि करेक्शन नहीं होगा उसमें। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना। उसके बाद ये जो वीडियो रहेगी आपके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस नोटिस को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट बताए गए हैं और यहाँ पे आपकी जो क्लासें हैं वो दिखाई गई हैं। इसमें बताया गया कि आपका एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो क्या रहेगी। हर एक कोर्सेज की डेट दिखाई गई है, यहाँ पे टाइम भी बताया गया कि किस टाइम आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, इस नोटिस को मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल दिया है, वहाँ पर जाकर के आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपना टाइम और डेट देख सकते हैं। ये नोटिस रहेगा पूरा। उसके बाद यहाँ पर MBA के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि जो MBA 2 ईयर की है उसमें आपके 80 नंबर का तो एंट्रेंस टेस्ट होगा, और जो ग्रुप डिस्कशन है वो पर्सनल इंटरव्यू है आपका, 10-10 नंबर का रहेगा। इसमें अपीयर होना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपका टाइम और डेट बताया है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की, आप इसको देख लेना एक बार। ऐसा ही आपका जो 5 ईयर का रहता है MBA, ठीक है, BBA ऑनर्स, उसके बारे में भी इन्होंने यही बताया है। ग्रुप डिस्कशन और टाइम पर्सनल इंटरव्यू का जो टाइम है आपका चेंज किया गया है, बस इसको देख लेना। ऐसे ही आपका म्यूजिकल का MA म्यूजिक में करनी है अगर किसी को, उनको भी प्रैक्टिकल जो देना होगा अपना इंस्ट्रूमेंटल या वो वोकल। और जो MPR या BBR के स्टूडेंट हैं उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा एंट्रेंस टेस्ट से पहले, यहाँ पे उसका टाइम और डेट बताया है। और इनको अपना जो स्पोर्ट किट है वो खुद लेकर जानी है, और अपने ओरिजिनल ID प्रूफ भी लेकर के जाने हैं, ठीक है, ये जो रहेगा। उसके बाद जो PET में क्वालिफाई होगा उसको एंट्रेंस टेस्ट देने की अलाउड किया जाएगा। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ से सुनिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बताया कि आपके स्कीम के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है यूनिवर्सिटी की साइट पर डाल दिया गया है। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ये भी डाउट था स्टूडेंट का। तो एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के लिए आपको इसी साइट पर आना है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे देख लीजिए नीचे सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट लिखा है। यहाँ पे आपको हर एक कोर्स का जिनका भी एंट्रेंस टेस्ट होगा यहाँ पे आपका सिलेबस दिखाया गया, आपको डाउनलोड करके इसके अकॉर्डिंग अपनी जो स्टडी है वो करनी है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने आपके एडमिट कार्ड के बारे में बताया है, आपको साइट पर मिल जाएगा, जिस दिन भी अपलोड होगा आपको जानकारी दे देंगे। और साथ ही साथ किसी भी स्टूडेंट का किसी भी कारण से अगर एडमिट कार्ड नहीं आता तो वो उस डिपार्टमेंट में जाएगा जिसमें भी आपने अप्लाई कर रखा है, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड लेकर आ सकता है। 2 पासपोर्ट फ़ोटो साइज लेकर आपको जानी पड़ेगी वहाँ पे अपनी फ़ोटो। और साथ ही साथ ये जो काम है आपको एंट्रेंस टेस्ट से 2 दिन पहले करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट वाले दिन कोई भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। थर्ड पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर जो जानकारी है वो चेंज नहीं की जाएगी, जो आपने अब फिल की है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगले पॉइंट में लिखा है कि एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। और 5th पॉइंट में लिखा है कि 30 मिनट पहले आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। और 6th पॉइंट में लिखा है कि 15 मिनट पहले आपको OMR शीट और आपका क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, और उसमें जो भी जानकारी है वो फिल करके 15 मिनट बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट कर सकते हैं आप। जब आपका इन्विजिलेटर बोलेगा तब आपको वो जो क्वेश्चन पेपर है वो शुरू करना है, और आपको सिग्नेचर जरूर करने हैं अटेंडेंस शीट पर भी और OMR शीट पर भी, और जो क्वेश्चन पेपर है उस पर भी। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखा है कि एक OMR शीट आपको ओरिजिनल है वो वहीं पे देकर आनी है, और जो उसकी कॉपी है कार्बन कॉपी वो आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर भी। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शन बोली जाएगी उसको बिल्कुल ध्यान से रीड करनी है, उसके बाद अपना एग्ज़ाम शुरू कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, बिल्कुल आसान आएगा, आपको ध्यान से फिल करना है। और साथ ही साथ और यूनिवर्सिटी आपको पेन प्रोवाइड नहीं करवाएगी, पेन आपको खुद लेकर जाना है, ब्लू और ब्लैक पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। और OMR शीट आपको फोल्ड नहीं करनी, और साथ ही साथ आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन या फिर कैलकुलेटर इस प्रकार की चीज़ आपको लेकर के नहीं जानी, वरना ये आप पे अनफेयर केस बना देंगे। और वीडियोग्राफी भी आपकी करवाई जाएगी। और जिन कोर्स की मैंने आपको डिटेल दिखाई थी, एंट्रेंस टेस्ट की डेट और टाइम दिखाई थी, सिर्फ उन्हीं का ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसके अलावा किसी भी कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।